नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एनकेजी क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई बहुत ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। नंबर एक, रोजाना दूध का सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं और चेहरे पर चमक आती है। नंबर दो, ककड़ी और खीरे के रस का सेवन करने से लो ब्लड प्रेशर में आराम मिलता है। नंबर तीन, चने और जौ की रोटी खाने से इंसान का स्वास्थ्य ठीक रहता है और शरीर को ताकत मिलती है। नंबर चार, चेहरे से मेकअप को हटाने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, इससे मेकअप आसानी से उतर जाएगा और स्किन भी अच्छी रहेगी। नंबर पाँच, शरीर में पानी की कमी होने से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, इसलिए दिन में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए। ज़्यादा पानी पीने से शरीर भी हाइड्रेट रहता है। नंबर छः, दीपक में नारियल तेल डालने से दीपक लंबे समय तक नहीं बुझता है। नंबर सात, अगर आप अंदरूनी तौर पर कमजोर हैं तो आपको शिलाजीत का इस्तेमाल दूध में मिलाकर करना चाहिए, ऐसा करने से आपकी अंदरूनी कमजोरी दूर हो जाएगी। नंबर आठ, अगर बार बार खांसी उठती है और कफ बाहर ना आता हो तो भीगे हुए 3 से 4 बादाम छील कर इसमें बराबर मात्रा में धागे वाली मिश्री मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण को रोजाना सुबह शाम सेवन करने से खांसी में आराम मिलता है और गला भी साफ हो जाता है। नंबर 9, आप अपने शरीर को जितना ज़्यादा आराम दोगे उतना ही ज़्यादा वो मांगेगा और जितना ज़्यादा उससे काम लोगे उतना ही ज़्यादा वो करेगा। नंबर 10, रोजाना दही का सेवन करने से व्यक्ति के दिल की धड़कन सामान्य बनी रहती है, वहीं उच्च रक्तचाप, हार्ट से जुड़े हुए रोग और किडनी की दिक्कत होने का खतरा भी कम रहता है। वहीं दही शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने भी नहीं देता है। नंबर 11, जो लोग 2 से 3 अखरोट का सेवन रोजाना करते हैं उन्हें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम रहता है। फीगे हुए अखरोट ब्लड शुगर को कम करके डायबिटीज के खतरे को कम कर सकता है। नंबर 12, अगर आपकी हड्डियों से कटकट की आवाज़ आती है तो समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पनीर, दही और दूध का सेवन करना चाहिए। नंबर 13, दिल के रोगियों के लिए करेले का जूस बेहद फायदेमंद होता है, यह खून को भी स्वच्छ बनाए रखता है। नंबर 14, दालचीनी का इस्तेमाल करने से वजन कम होता है। नंबर 15, ठंडे दूध की जगह गर्म दूध पिए, गर्म दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। नंबर 16, अगर छोटा बच्चा रात को सोता नहीं है तो उसे शहद चटाएं। नंबर 17, खीरा ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति को सांस की बीमारी नहीं होती है। नंबर 18, आपको शरीर में कमजोरी महसूस होती है तो सलाद में चुकंदर जरूर खाएं। नंबर 19, किशमिश खाने से खांसी नहीं होती है। नंबर 20, पेट में दर्द हो तो अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर सेवन करने से दर्द में आराम मिलता है। नंबर 21, जीरा खाने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है और साथ ही बदहजमी भी दूर होती है। नंबर 22, रात में सोने से पहले पैरों की मालिश करने से जल्दी बीमारी नहीं आती है। नंबर 23, पुदीने की पत्तियों को चेहरे पर रगड़ने से स्किन नरम और मुलायम हो जाती है। नंबर 24, कटे हुए प्याज को दूसरे दिन ना खाएं, नहीं तो पेट की बीमारियां हो जाएंगी। नंबर 25, यदि गले की खराश खत्म ना हो रही हो तो चॉकलेट खाने से लाभ होता है। नंबर 26, घर में गुलाब का पौधा लगाने से खुशियां आती हैं तथा तनाव दूर होता है। नंबर 27, चेहरे पर दाग धब्बे और झाइयां ख़त्म करने के लिए नींबू के रस को चेहरे पर लगाएं। नंबर 28, रात के समय चाय पीने से परहेज करें वरना दिमाग कमजोर हो जाता है। नंबर 29, भुना हुआ लहसुन शिलाजीत का काम करता है, दरअसल इसमें एलिसिन होता है जिससे आपके शारीरिक कमजोरी से बच सकते हैं। नंबर 30, अगर कब्ज की दिक्कत रहती हो तो रोजाना शाम के समय पपीते का सेवन करें।
दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।